हाँ जी भाई, मैं हनुमान मूवी देखकर आ रहा हूँ और ये छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि ये 25 करोड़ की मूवी 600 करोड़ वाली आदि पुरुष से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है भाई। पूरी मूवी लास्ट तक तुम्हें सिर्फ गूज़बम्स ही देती रहेगी। हाँ भाई, तुमने दुनिया में बहुत सारे सुपर हीरोज के नाम सुने होंगे जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, एंटमैन, लेकिन उन सबसे ऊपर है अपने हनुमान जी। देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि इस पूरी मूवी को देसी हीरो के स्टाइल में दिखाया गया है और एकदम क्लासी परफॉर्मेंस देखकर मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये कम बजट वाली मूवी क्या ही अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इस मूवी ने मुझे पूरी तरह से गलत साबित किया और एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के साथ मुझे पूरी मूवी में सिर्फ गूज़बम्स ही दिए। कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सब कुछ टॉप लेवल का था यार, लेकिन हमारे इतिहास को जोड़कर जो स्टोरी हम लोगों के सामने रखी है ना यार, कम्प्लीटली मजा ही आ गया। इस बात के लिए तो हैट्स ऑफ जाता है प्रशांत वर्मा को। अब जल्दी से स्टोरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन विदाउट एनी स्पॉइलर। कहानी की बात करें तो हनुमंतु अंजाद्री गांव में रहने वाला एक लड़का है जो कि अपनी बहन के साथ रहता है, लेकिन गांव के कुछ लोग हनुमंतु और उसकी बहन पर अटैक कर देते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा कि वो लोग कौन थे, वरना बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। चोट लगने के बाद हनुमंतु पानी में गिर जाता है और बहुत ज्यादा घायल होता है, तो उसे पानी के अंदर एक मणि मिलती है जिसके अंदर बजरंग बली का खून प्रिजर्व होता है, जिसके बाद हनुमंतु के अंदर एक बहुत ही अच्छी पावर आ जाती है। लेकिन उन पावर्स के पीछे माइकल नाम का एक बहुत ही बुरा आदमी पड़ा है जो कि इस मूवी का विलन भी है, और वो सुपर विलन बनना चाहता है भाई। अगर ये शक्तियाँ उसके हाथों में लग गई तो वो न जाने क्या क्या करेगा। अब हनुमंतु और माइकल के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है भाई, जिसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन भाई, जिस चीज में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आएगा वो तो क्लाइमैक्स में है। जैसे ही क्लाइमैक्स शुरू होगा भाई, गूज़बम्स ही गूज़बम्स भाई। मेरे तो पूरे थिएटर में जय श्री राम के नारे लग रहे थे भाई। सच में बिल्कुल अमेजिंग मोमेंट हो गया था वो तो। इससे पता चलता है कि 2025 में आने वाली जय बजरंगबली मूवी कितनी ज्यादा सुपरहिट होने वाली है। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जाके इस मूवी को देख लो, क्योंकि लो बजट में ऐसी मूवी हर बार नहीं मिलती। तो फिर आज ही जाओ, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाओ, अपने दोस्तों को सजेस्ट करो, ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है।